अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी लेके तो मैं आज बना रही हूँ हरियाली चिकन टिक्का रेसिपी, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट से भी बन जाती है। तो आप लोग इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो मैं ले ली हूँ कोथमीर, मिर्ची, अदरक और लहसुन। इसको मैं धो के एकदम बारीक से इसका पेस्ट बना लूँगी। और फिर मैं ये ली हूँ दही और मलाई, मैं दोनों दही मलाई दोनों ली हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब ली थी मैं दही, 2 टेबल स्पून के करीब मैं ली हूँ मलाई। अब इसको एक साथ पीस लूँगी, मैं एकदम बारीक से मैं पीस ली हूँ। अब मैं चिकन को धो के इस बारीक बारीक पीस कर ली थी चिकन की। अब मैं जो पीसी थी मसाला पीसे थे वो चिकन में ऐड कर दी हूँ। फिर मैं इसमें ऐड करी हूँ ब्लैक पेपर, नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जीरा पाउडर। और फिर तुम अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अब मैं गरम मसाला भी इसमें ऐड की थी, मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके आप इसको तकरीबन आधे से एक घंटे के लिए रख भी सकते हो, फौरन से बना भी सकते हो। मैं मिक्स करने के बाद इसको काढ़ी में इस तरीके से खोस ली थी और ये मैं एयर फ्राई में इसको कर रही हूँ, एयर फ्राई कर रही हूँ। और आप चाहे उसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो मैं एयर फ्राई में 180 डिग्री 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दी थी। मैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जल्दी से बन जाते हैं। और मेरी ये चिकन हरियाली टिक्का बनके तैयार है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।